हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु वाट्सअप। फ्रेंड्स, आज हम लोग फुल डिटेल डिस्कस करेंगे एक फूड के बारे में। एक फूड नहीं, हम एक के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसको एक को एक के ऊपर, मतलब अंडा के ऊपर हम लोगों का बहुत सारे कॉन्फ्यूशन है। कोई अंडा का जो वाइट पोर्शन है उसको देते हैं, कोई येलो पोर्शन देते हैं, कोई थोड़ा डर के देते हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ या मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सारे चीज़ होने लगते हैं। हम लोगों के भीतर एक डर पैदा होता है कि ये देने से कुछ होगा तो नहीं। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट किया, मतलब रिसर्च के से मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो जो रिसर्च कर रहा था या खुद के बात के ऊपर प्रयोग कर रहा था, जो चीज़ें सामने आया वही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट मिला तभी जाके हम बोल रहे। देखिए, एक को एक सुपर फूड या कॉम्प्लीट फूड बोला है। मान लीजिए कोई भी रीज़न हो, आप पर्सनली बहुत, आपका बहुत बिजी हो, बर्ड्स मतलब शौक के कारण पालते हो, या कोई भी रीज़न हो, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड सही से नहीं कर पाते हो, इतना जान लीजिए। अगर एक फूड भी प्रोवाइड करोगे सप्ताह में 3-4 बार कोई भी सीज़न में, तो आपका बर्ड्स का हेल्थ इशू और ब्रीडिंग इशू कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दुनिया का या एक शरीर को, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में क्यों हो, क्योंकि अगर हम ये तो ये चैनल बर्ड्स के लिए है, तभी जाकर हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जो हम बोलने वाले हैं ये वीडियो में, पूरा पूरी अपने खुद के ऊपर भी अप्लाई करना, क्योंकि सेम चीज़ है। क्योंकि ये एग, जैसे देखिए, मैं हम लोगों ने शायद आप लोगों को याद होगा, टीवी में एक कुछ साल पहले टीवी में एक ऐड आता था, संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये ऐड हो सकता है प्रमोशन के लिए हो, हम लोगों को सभी को लगे, लेकिन जो टैग लाइन है, संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, हर दिन अगर हम लोग एक एक को कंज्यूम करते हैं, मतलब खाते हैं, तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा, और एक एक से कोई नुकसान भी नहीं होता है। ये जो शरीर गर्म हो जाता है, ये मतलब वाइट वाला पोर्शन, मतलब जो योग होता है उसको फेंक के खाना पड़ेगा, ये सारे चीज़। हाँ, एक अगर बॉयल करके या ऑमलेट बना के आप खुद खा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक कारी हो गया, मतलब मसाला चीज़ ज़्यादा मिला के खाने से आपको 2-3 एग तो छोड़िए, एग एग में भी प्रॉब्लम है। इसमें जो ओवर कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ब्लड में होता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन एग एग अगर हम लोग सप्ताह में, जैसे जैसे विंटर घुस रहा है, विश्वास करो मेरा 5 डेज एक फूड चलता है, और रेनी और समर सीजन में 4 डेज एक फूड चलता है। क्यों मैं क्यों देता हूँ और इसमें फ़ायदा क्या है, वही चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। फ़ायदा तो बोलिए मत फ़ायदा, क्योंकि इसमें विटामिन ए, मतलब इतना जान लीजिए, जो जिस विषय के मैं अभी बोलने वाले हैं, एक फूड या एग, एक बॉयल अंडा आपके बर्ड्स के लिए, स्किन के लिए, फेदर के लिए, आँखों के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, और इंटर बॉडी एंड ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सब कुछ के लिए बेनिफिट है। क्योंकि ये एक कॉम्प्लीट डाइट है, जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फॉलिक एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 3, सब कुछ भरपूर मात्रा, मतलब एक रिच कॉन्टेंट उसमें रहते हैं। इसको जब जब हम बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जो वाइट जो पोर्शन होता है, पूरा पूरी प्रोटीन का सोर्स होता है, जो इसीलिए बच्चा होने के टाइम पे एक फूड को अवॉइड मत कीजिए, कोई भी सीजन हो, वो अपने बच्चों को, इसमें ओमेगा 3 है, बच्चों को ग्रोथ होने में, या जो जो न्यूट्रिशन है, जैसे मान लीजिए शरीर कुछ क्या है ना, जैसे फॉलिक एसिड को ही ले लीजिए, शरीर बहुत सारे फॉलिक एसिड की ज़रूरत के भीतर बहुत सारे चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तभी जाकर हम लोगों को डाइट, मतलब एक हेल्दी डाइट शरीर को देना पड़ता है। हेल्दी डाइट के ऊपर बहुत सारे चीज़ मैंने डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी कुछ कॉन्फ्यूशन है नीचे कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो जब मर्जी हम बनाएंगे। और जोन जोन लोगों ने, एक बात बोल दूँ, चैनल ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब नहीं, ज्वाइन बटन मतलब पेट करके, उन लोगों के लिए हर वीक कुछ ना कुछ वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते, तो एक फूड को अब बेझिझक कोई कुछ भी बोले, मैं साइंस के हिसाब से बोल रही हूँ, ना कि मेरा कोई मनगढ़ंत कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साइंस को एक बार जान लीजिए, अगर मेरी बात विश्वास नहीं है तो आप गूगल कीजिए, कोई मतलब न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है ना ह्यूमन का, उसके सलाह लीजिए, जो एक अंडे खुद के हिसाब से सोचिए, अगर हम लोग रोज़ खाए
ये जो हार्ट डिजीज़ लोग बोलते हैं फैट बढ़ जाता है, ये अच्छा फैटी मतलब फैट लॉस के लिए, एक बॉयल अंडे फैट लॉस के लिए, क्योंकि ये ओवर कैलोरी नहीं है, एक लो कैलोरी मेंटेन होता है, कैलोरी मिलता है, लेकिन एक शरीर को ओवर फैट करने के लिए या ओवर कैलोरी करने के लिए एक अंडे से कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता है। उससे आपका न्यूट्रिशन एक डाइट मिलेगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट के साथ लो, मतलब ये सब कुछ देखिए वाइस वर्सा है। मतलब मैं अगर आपके बारे में बोल रही हूँ सेम चीज़ अपने बार्स के बारे में, अगर आपका बार्स के बारे में बोल रही हूँ खुद के बारे में भी ले सकते हो, इसको अलग अलग मत कीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर हम मेरा खुद पसंदीदा एक फूड है वो है अंडा, बॉयल अंडा, और ज़्यादातर जो हाफ बॉयल होता है जो लिक्विड जैसे निकल आता है वो बहुत ही और भी न्यूट्रिएंट होता है। और कुछ लोग तो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कच्चा अंडा जैसे हम लोग चम्मच से तोड़ते हैं या किसी प्लेस में ठोक के ऐसे करते हैं तो अपने मुंह में कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है आपका हैबिट नहीं होता, जो उसमें जो मतलब गंध निकालता है उसमें थोड़ा सा उल्टी आ सकता है, बाकी जिन लोगों का हैबिट है। लेकिन बार्स के ऊपर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे नहीं दे सकते, वो लोग नहीं खाएगा, या वो जब देखिए वाइल्ड में जब होता है क्या करते नहीं करते अलग बात है, लेकिन अंडा सभी बार्ड्स के लिए, चाहे घर में कोई भी बार्ड्स हो, सभी के लिए फायदे, सिर्फ स्पैरो ग्रुप का बार्ड्स नहीं है जिसके एनिमल की प्रोटीन, क्योंकि अंडा एक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी फैमिली का एक भरपूर मात्रा में, उसके अलावा जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आयरन, आपका और भी सारा जो मिनरल्स की होने से आपका बार्ड्स का बॉडी हेल्दी और तंदुरुस्त रह सकते हैं और लॉन्ग टाइम वो जी सकते हैं, वो एक बॉयल्ड अंडे में है। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉयल्ड अंडा अगर हम लोग जब प्रोवाइड करें, फिर बोल रही हूँ डाउट है तो मत कीजिए। देखिए कोई भी सोच में ये चीज़ें खुद के जीवन से सीखा है, अगर आप कुछ नेगेटिव थाट्स है आपके भीतर चल रहा है कुछ कि करूँ या ना करूँ, फिर आप लोगों ने कर देते तो उसमें गलत हो जाता है। भरोसा है खुद के ऊपर या मेरी बातों के ऊपर, तभी जाके ये चीज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे जो न्यूट्रिशन है या जो कुछ भी है, जो कुछ भी शरीर में जाने के बाद आपका मेडिसिन कम हो जाएगा बहुत, अगर आपका बार्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारे चीज़ मैंने खुद देखा, जो ये हार्ट डिजीज़ ये डिजीज पहले देखिए साइंस का उन्नति हो रहा है, मॉडर्न साइंस आ रहा है, इसी ह्यूमन के ऊपर नहीं, हर एनिमल के ऊपर अगर आप सही से रिसर्च, क्योंकि यही मेरा काम है रिसर्च करना। पहले जैसे बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए सोच गई उदाहरण के हिसाब से आप लोगों को समझाने के बोल रही हूँ, हम लोग जब छोटे थे जब हम लोग बुखार होते थे हम नहाने के लिए मना करते थे या राइस खाने के लिए मना करते हैं। आज के डेट में मॉडर्न साइंस देख लीजिए, आपका बुखार कितना भी आपको नहाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ आप कुछ भी खा सकते हो जो डाइजेस्ट कर पाओ, कोई मना नहीं होता है। तो उन्नति हो रहा है धीरे धीरे, वैसे ही अब अगर आपके सोच को एकदम पीछे रख दीजिएगा तो आपको उन्नति कभी नहीं होगा। सोच को बदलिए, कैरेक्टर को नहीं, सोच बदलना चाहिए साइंस के साथ साथ। तो हम लोग गलत हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट भी गलत हो सकता है, लेकिन जो बाहर निकल के आते हैं जब प्रैक्टिकल किया जाता है तभी से उससे जो आउटपुट आता है वो कभी गलत नहीं होता है, चाहे वो रॉन्ग दिशा में हो या सही दिशा में हो। तो इसीलिए कॉन्फ्यूशन में कोई काम मत कीजिए, भरोसा है तो कीजिए। जो मैंने मिस्टर एक्स ने बोला था एक फूड सप्ताह में एक दिन देने के लिए, मैं बोल रही हूँ सप्ताह में अभी विंटर सीजन 4 दिन या 5 दिन देने के लिए, तो किसके बाद मानूँ? पहले आप खुद डिसाइड कीजिए, अपने भगवान ने सभी को, मालिक ने सभी को दिमाग दिया है, उसी के हिसाब से सोच के देखिए और साइंस को देखिए। सोच साइंस के साथ लगाइए, मेरे साथ भी नहीं किसी और के साथ भी नहीं, साइंस क्या बोल रहा है तो उसी के हिसाब से अगर कर पाओगे, मेरे तो बेनिफिट मिला तभी जाके ये वीडियो बना रही हूँ, आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। ब्रीडिंग सीजन में बच्चा का एक्सपायरी कम हो जाएगा, मतलब मॉर्टलिटी रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ अच्छा खासा होगा। जैसे एक बात बोल दूँ, बी प्लस जो नया जा रहा है, बीच में एक बात 2-3 बार एक बार बोल दूँ, वी प्लस जो लास्ट ऑर्डर था मैंने रिलीज़ कर दिया, पोस्ट ऑफिस का भी ये मतलब दिवाली का मौसम पे थोड़ा सा लेट हो रहा है उसी के चलते, बाकी मोटा मोटी 55 या ऐसे लोगों के पास पहुंच चुका है वी प्लस, अभी 30-32 इसके से मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है, आज लोग छोड़ देंगे बोला है। मैं कल भी गए थे रिपोर्ट लेकर आए,
आफ्टर मतलब जो भाई द्वितीया जो होता है ना, मतलब हम लोगों की इधर जो रीति रिवाज है, या आज भी कुछ छोड़ा जाता छाड़ा जाएगा, मतलब मेरे तरफ से नहीं, पोस्ट ऑफिस के तरफ से, ध्यान से सुनिएगा, और बाद में कुछ छोड़ा जाएगा, तो बी प्लस में ओमेगा थ्री नेचुरली, मतलब उसमें एग नहीं है, नेचुरली मैंने मिलाया है जो आपका, इसीलिए आपका देखिए जो जो लोग बर्ड्स को खिलाते हो बेबी टाइम पे, इतना अच्छा खासा ग्रोथ होता है, फेदर अच्छा आता है, कलरफुल आता है बर्ड्स, तो इसीलिए एक को कभी अवॉइड मत कीजिए। मैंने क्या बोला, इसके साथ अगर आप चाहते हो तो कुछ वेजिटेबल्स ऐड्स कर सकते हो, लेकिन ओवर डाइट मत बनाइए। एक अंडा, बॉयल राइस, कुछ वेजिटेबल्स, बस थोड़ा सा काला नमक डाल, हम लोग जैसे नमक नहीं, जो हम लोग जो नमक टाटा नमक कर पाते नहीं बोल रही हूँ, हम लोग ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट के बारे में बोल रही हूँ, आप डाल सकते हो थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए, और उसके साथ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स आप डाल के दे सकते हो। कुछ लोग उसमें छत्तू डाल देते हैं, आप हिप्लास डाल सकते हो, इतना बोल सकते हो एक फूड के साथ, क्योंकि हिप्लास को हर चीज़ में हमने बैलेंस करके तभी जाके जो रेशियो बनाया, मतलब इसके साथ इतना परसेंटेज ये करना पड़ेगा, सब सोच समझ के। इसीलिए देखिए एक फिंच फैट को भी, फिंच बर्ड को भी आप दे सकते हो, उसका जो ग्रोथ और फैट की ज़रूरत है उसको मिलेगा। एक मैकाओ को भी दे सकते हो, उसको जो शरीर में चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेंगे वी प्लस से, तो इसीलिए इसको वी प्लस से। लेकिन कोई भी अदर्स चीज़, मैं देखिए अभी बोलेंगे दादा मैं तो वी प्लस नहीं यूज़ करता हूँ, मैं चीज़ों को ड्राई करने के लिए, तो इतना देखिए बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड एग में ज़्यादा पानी नहीं होता है जो आपको हर चीज़ मतलब डार्क चीज़ डालना पड़ेगा तभी जाके वो ड्राई होगा। एक काम कीजिएगा, अब बिस्किट्स थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा सा जो हम लोग मेरी बिस्किट्स खाते हैं या क्रीम केकर, इसके अलावा कुछ कोई भी बिस्कुट नहीं, या सबसे अच्छा चीज़ है अब चीरा जो होता है ना, चीरा जैसे मैंने बोला था एक वीडियो में, उसको डस्ट करके रखिए। चीरा में मतलब फाइबर होने से चलते उसको डाइजेस्ट, मतलब एग में तो फाइबर है ही, और उसके साथ साथ चीरा में भी ये सारी चीज़ होने गुड़न के चलते, राइस से बनाया जाता है चीरा, आपको मदद ज़रूर मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं ओवर डाइट मत बना दीजिएगा एक फूड को, एक तभी जाके क्या होगा तो शरीर में जाके वो मतलब उसका उल्टा रिएक्शन होगा। कभी कभी लोग ऐसे कर देते हैं, देखिए एक लीवर का लेने का क्षमता है, चाहे हम लोगों का हो, आपका बर्ड्स का हो या आपका डॉग का हो, हम लोग अगर उसके भला के लिए ओवर डाइट कर रहे हैं तो उसका लीवर रिजेक्ट कर देंगे, और उसी के चलते डायरिया, लूज मोशन, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि तभी खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, इतना जान लीजिए, डॉक्टर को वेरीफाई कर सकते हो मेरी बात। इसीलिए कम कम दीजिए, सही बैलेंस मात्रा को मतलब मेंटेन कीजिए, और देखिएगा आपका आउटपुट क्या आता है। मैं तो देख चुका हूँ, फिर बोल रही हूँ, उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो एक फूड को हमेशा साथ में रखिए, एक फूड कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर भी मेरा चैनल पर वीडियो है, देख सकते हो। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डालता हूँ, क्योंकि जो होता है उसमें जो बैलेंस होता है वो भरपूर ठीक ठाक होता है। क्योंकि ये एक फूड को जानने के लिए मैं तो किसी को वीडियो से नहीं उठाया, जो किसी का वीडियो देखा और जान गया, इसको जानने के लिए हमको 3-4 महीना लग गया, जो सही प्रॉपर एक फूड कैसे बनाया जाता है, खुद एक्सपेरिमेंट किया, दिया बाट का पेट ख़राब हुआ, फिर उससे कुछ मतलब न्यूट्रिशन को निकल के फिर एक फूड बना दिया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते आज आप लोगों को ज्ञान बाँट रही है। तो इसीलिए एक फूड को अपनाइए, अपने बर्ड्स का लिए एक 360 डिग्री न्यूट्रिशन का डाइट बनेगा, और एक कंप्लीट फूड बनेगा, एक सुपर फूड बनेगा अपने बर्ड्स के लिए। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।